Today we have discussed class 11 subject biology and your first chapter, the living world. Today topic is classification, systematics. तो classification हमने बताया था कि biodiversity के बारे में आपको previous video में, इसके लिए classification की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि million billion में आपकी species हैं तो उन सब की स्टडी करना इतना इजी नहीं है जिसके लिए क्लासिफिकेशन की नीड हुई। अब क्लासिफिकेशन को डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप से दिया। जैसे सबसे पहले फर्स्ट हम देखते हैं स्टेटमिक्स, सिस्टेमेटिक्स यानी क्लासिफिकेशन। तो ये क्या है? इज द साइंस ऑफ स्टडिंग बायोडाइवर्सिटी एंड अरेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी करना एक स्टेप बाय स्टेप मेथड से वो हमारा क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो क्लासिफिकेशन में हम स्पीसीज को, प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था आपको कि जो नेसेसिटी है ऑफ क्लासिफिकेशन की वो स्टडी करने के लिए है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बायोलॉजी के बारे में बताया था, बायोलॉजी के बारे में इसमें हमने आपको बताया था कि 1802 में लेमार एंड ट्रेविरेनस ने फर्स्टली बायोलॉजी जो वर्ड है, बायोलॉजी वर्ड है, उसका यूज किया था और उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जूलॉजी और बॉटनी। रीजन, स्टडी करने में क्या हो जाए? इजी हो जाए। अब इन दोनों में एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी की जाती थी। हमने आपको बताया था टैक्सोनॉमी के बारे में। तो टैक्सोनॉमी जो वर्ड है ये अधिकतर वर्ड किस कौन सी लैंग्वेज के हैं? ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं। कौन सी के? ग्रीक लैंग्वेज के होते हैं स्ट्रैंड्स। तो टैक्सोन जो वर्ड है वो कैसा है? ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है टैक्सोन और नोमोस। इन दोनों वर्डों से हमारा क्या बना? टैक्सोनॉमी बना। और जो ये वर्ड है टैक्सोनॉमी, इसको सर्वप्रथम फर्स्टली किसने दिया था? एपी कैंडोले ने। किसने? एपी कैंडोले, जो साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने दिया था, एपी कैंडोले ने। तो हम क्यों समझ रहे हैं टैक्सोनॉमी को? क्योंकि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जो नोमेनक्लेचर होना है या आप अपनी भाषा में नामकरण होना है और उनका वर्गीकरण, उनको डिवाइड करेंगे जिससे कि स्टडी करने में इजी रह जाए। तो उन सब की स्टडी क्या कहलाती है? हमारी टैक्सोनॉमी कहलाती है, क्लासिफिकेशन। और पहले तो क्या होता है, कोई भी स्पीसीज हमें मिलती है या उसके फॉसिल्स मिलते हैं तो सबसे पहले उसका कोई नाम दिया जाता है, फिर उसका क्लासिफिकेशन कराया जाता है। तो इन दोनों की स्टडी क्या कहलाती है? हमारी टैक्सोनॉमी कहलाती है। तो ये कह सकते हैं जो लिविंग हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो उनमें कुछ समानताएं होती हैं, सिमिलरिटीज होती हैं, कुछ विभिन्नताएं होती हैं, भिन्नताएं भी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। तो उनको एक ग्रुप में जो रखने का मेथड है
वो हमारा क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। और बायोलॉजी की जो ये ब्रांच है वो क्या कहलाती है, सिस्टमैटिक्स कहलाती है, वर्गीकरण विज्ञान कहलाती है। क्या कहलाते हैं, सिस्टमैटिक्स, वर्गीकरण विज्ञान कहलाते हैं। जैसा आपने प्रीवियस नॉलेज आपको है, आपको बता प्रीवियस क्लास में बताया जा गया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनमें फाइलम होते हैं, एनिमल और प्लांट्स में उसको डिवाइड जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो फाइलम आपको प्राप्त होते हैं, फाइलम है आपका। ऐसे ही प्लांट्स में डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये क्या क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स। ठीक, तो सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये भी बायो की क्या है, ब्रांच है, साइंस की ब्रांच। और नीड या नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, तो जैसे कि हम यू नो कि प्रत्येक जो वस्तु है, थिंग्स हैं, वो व्यवस्थित रखा जाता है, उसको सिस्टमैटिक तरीके से रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसे ढूंढने में परेशानी ना हो, ईजिली हमें वो प्राप्त हो जाए, उसके बारे में नॉलेज प्राप्त हो जाए। तो हमारी जो अर्थ है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज पाई जाती हैं मिलियन में, तो उनकी स्टडी करने के लिए क्या करना है, उनको एक सिस्टमेटिक ढंग से रखना पड़ेगा, और वही अब क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है स्टूडेंट्स। अंडरस्टैंड? तो क्लासिफिकेशन के साथ साथ क्या होता है, नोमेनक्लेचर भी आवश्यक है, नोमेनक्लेचर भी, नामकरण भी आवश्यक है क्लासिफिकेशन के लिए। रीजन है, एक कंट्री से जब दूसरी कंट्री में जाते हैं तो एक प्लांट्स या एक एनिमल्स का अदर कंट्रीज में नेम कैसा होता है, अलग अलग होता है। तो हमने क्या कर दिया, नोमेनक्लेचर कर दिया, नामकरण कर दिया। साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, नामकरण कर दिया, नामकरण कर दिया। सपोज फॉर एग्जाम्पल अपने लिए ह्यूमन बींग, मनुष्य, इंसान, मैन, साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस। इसी प्रकार से मैंगो, मैंगिफेर एंडिका, ये क्या नोमेनक्लेचर। कहीं पर भी जाओगे तो उसके साइंटिफिक नेम से आप उसको जान सकते हो, स्टडी कर सकते हो, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं। तो इसमें किसके नेम होते हैं, एक आपका जीनस का और एक स्पीसीज का, और दोनों से मिलकर गंदा साइंटिफिक नेम बनता है, वही क्या कर रहा था हमारा नोमेनक्लेचर। तो ये एनिमल नोमेनक्लेचर होते हैं, प्लांट नोमेनक्लेचर होते हैं, तो आपको पता क्यों, या आप जान चुके होंगे कि नीड ऑफ क्लासिफिकेशन या नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। तो बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बता दिया साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी किसने दिया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, कैरोलस लीनियस। अंडरस्टैंड? अब इन 1981 में कार्ल बोश एंड अदर साइंटिस्ट ने डिवाइड कर दिया गया, कितने जितने भी लिविंग वर्ड देखा उनको थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और यूकेरियोट डोमेन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, जैसे जैसे साइंटिस्ट हुए और ज़्यादा इजी करने के लिए डिवीजन हुए, क्लासिफिकेशन हुए थ्री से, फिर इनकी काउंटिंग बड़ी, ग्रुप्स में बांटा गया। रीजन था इजी हो जाए स्टडी करने के लिए किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स। इसी प्रकार क्लासिफिकेशन को
टाइप्स में डिवाइड कर दिया, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर बात करें तीनों की तो आर्ची, यू बैक्टीरिया और यूकेरियोट, तो इनकी हैबिटेट की बात करें तो जो ये आर्ची बैक्टीरिया थे जनरली फाउंड इन हॉट एनवायरमेंट, ये इसकी हैबिटेट, जबकि ये डिफरेंट टाइप्स एनवायरमेंट्स में और ये भी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये थी आपकी प्रोकैरियोटिक टाइप्स की सेल, ये भी प्रोकैरियोटिक टाइप्स की सेल और ये यूकैरियोटिक टाइप्स की सेल, तो इस प्रकार से इसको डिवाइड करा गया। साइज की बात करें तो इसका साइज आपका 0.524 माइक्रोमीटर, इसका भी एस्टिमेट यही था, इसका 5 माइक्रोमीटर। तो इसलिए यानी कि कुछ ना कुछ क्या है जिनमें सिमिलरिटीज थी उनको एक पे कर लिया और जो डिफरेंट थे उनको अलग कर लिया, इसलिए हमें क्या हुआ क्लासिफिकेशन नीड। अब हिस्ट्री है क्लासिफिकेशन की, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन, तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।